हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ चिंगरी भापा, जो कि बंगाली स्टाइल में बनती है और वो भी नारियल से। पहले हम लोग लेंगे प्रॉन और उसको हम लोग अच्छे से साफ कर लेंगे। और मैंने मिक्सी में नारियल को पीस के इसके अंदर डाल दिया है और थोड़ा सा लहसुन और मैं मिर्ची को इसमें डाली हूँ और इसका एक पेस्ट बनाई हूँ जो कि नारियल के साथ ही बना है। और इसको हम लोग प्रॉन के साथ मिक्स कर देंगे। अभी मैं इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर रही हूँ। जितना भी आपको चाहिए होगा। अभी हम इसमें थोड़ा और नमक डालना है और नमक डालने के बाद इसको हम मिक्स कर सकते हैं। मैं इसमें और थोड़ा सा ऑयल डालूँगी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगा इसको। और सरसों का ऑयल ही डाली है जो कि इसमें बहुत अच्छी फ्लेवर देती है। मैं अभी इसको मिक्स कर रही हूँ हाथ से, जो कि आप लोग देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा बन रहा है देखने में भी। तो सोचिए ये खाने में कितना टेस्टी होता है। और इसको आप 5 मिनट में बना सकते हो और प्रेशर कुकर 1 सीटी मारने से ये बन जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैं एक छोटे से टिफिन में इसको सजा के रख दूँगी और इसके बाद मैं इसको कुकर में सीटी लगाऊँगी। कुकर में थोड़ा सा पानी ली हूँ मैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत कम पानी है। और अभी मैं इसको फ्लेम थोड़ा हाई करके इसको गैस के ऊपर रखी हूँ। अभी मैं टिफ़िन बंद करके इसके अंदर डाल चुकी हूँ। जितना पानी मैं पहले ली थी उतना ही है। अभी हम इसको बंद कर देंगे और लगाएंगे 1 सीटी। और आप लोग अभी देख सकते हो टाइम हो गया है और ये कितना अच्छा दिख रहा है। इसका कलर देखो दोस्तों, इसके ऊपर ऑयल कैसे निकल के आई है। और मैं एक मसाला बना रही हूँ जीरा से, जीरा और आप लोग गरम मसाला भी डाल सकते हो, पर मैं मोस्टली जीरा और दालचीनी से बनाती हूँ जो कि इसके ऊपर बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। थैंक यू।